हेलो गाइस, जैसे कि आज आप लोग जानते हैं कि आज अयान की बर्थडे है। टाइटल देखकर आप लोगों को पता चल चुका होगा। तो यहाँ पर अयान जो है वो बिल्कुल रेडी होकर तैयार होकर बैठ चुका है और हम कर रहे हैं केक का इंतज़ार। केक आने में भी थोड़ा टाइम था तो हमने सोचा कि हम ऐसे ही बैठ जाते हैं, इंतज़ार करते हैं। अयान बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप लोग बताइए कि वो कैसा लग रहा है। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा लग रहा है। हमने डेकोरेशन वगैरह ज़्यादा नहीं की क्योंकि अयान को बलून्स वगैरह नहीं पसंद है। तो यहाँ पर हमारा केक आ चुका है। केक अयान ने ख़ुद पसंद किया था। किट कैट चॉकलेट केक है और अयान का फेवरेट चॉकलेट केक है। इसके ऊपर इतनी सारी किट कैट्स थी कि हम अयान का नाम भी नहीं लिखवा सके और ना ही हैप्पी बर्थडे लिखवा सके। हाँ जी, तो केक कटिंग हो चुकी है। अयान ने आगा के साथ केक काटा है और अब आगा जो है वो अयान को खिलाएंगे केक और उसके बाद हम सबको अयान खिलाएगा केक। तो यहाँ पर बर्थडे स्टार्ट हो चुकी है और सब एक दूसरे को केक खिला रहे हैं और बस एक दूसरे को केक खिलाएंगे। ये स्मॉल सी सेलिब्रेशन थी क्योंकि रमज़ान में तो ऐसे ही बर्थडे सेलिब्रेट की जा सकती है, ज़्यादा धूमधाम से नहीं कर सकते हैं क्योंकि रमज़ान होते हैं। दिन के टाइम तो बिल्कुल नहीं हो सकता है और रात के टाइम केक कटिंग हो चुकी है। तो उम्मीद है आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज के हमारे कुछ प्लान्स और भी हैं। आज हम जाएंगे शायद ईद की शॉपिंग करने। तो यहाँ पर सब ने केक खा लिया है, अयान ने सबको केक खिला दिया है और अब जो है बारी है गिफ्ट्स की। गिफ्ट तो हमने लिया नहीं क्योंकि अयान को अपनी मर्ज़ी की चीज़ें लेनी थी तो हमने सोचा हम उनको एनवेलप्स में पैसे दे देंगे और फिर हम उसे किसी दिन शॉपिंग पर ले जाएंगे। वैसे भी ईद भी आ रही है तो अपनी मर्ज़ी की शॉपिंग कर लेगा अयान। तो यहाँ पर सब उन्हें एनवेलप्स दे रहे हैं और किसी दिन फिर अयान को ले जाएंगे उसको उसकी मर्ज़ी की शॉपिंग करवाने। अच्छा गाइज, अगर आप लोगों को अयान को गिफ्ट देना है तो उसका चैनल है शाइस्ता गेमर, आप लोग जाकर उसे सब्सक्राइब कर दे और कमेंट में उसे बर्थडे विश कर दे। यहाँ पर भी आप लोग कर सकते हैं कमेंट। सो गाइज, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था आज हम जाएंगे मार्केट। हम जा रहे हैं तारिक रोड, देखते हैं क्या लेते हैं हम, कुछ पसंद आता भी है या नहीं रेडीमेड। तो यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं तारिक रोड में। रश आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी रश है यहाँ पर और देखते हैं क्या क्या शॉपिंग करते हैं हम आज। सुबह के साथ आप लोग भी बाज़ार का टूर कर ले, विज़िट कर ले। ये तारिक रोड आए हैं हम, यहाँ पर ये फैब्रिक भी काफ़ी अच्छा है और आप लोग भी देख लीजिए, थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा आप लोगों को। यहाँ पर ये फैब्रिक मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है और यहाँ पर लॉन के सूट भी काफ़ी अच्छे अच्छे थे तो यहाँ पर भी आप लोग विज़िट कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर मैंने ज्वेलरी देखी, बहुत प्यारी ज्वेलरी थी लेकिन ईद के हिसाब से थोड़ी ज़्यादा हैवी थी लेकिन बहुत प्यारी थी। आप लोगों को अगर बाय करनी हो तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी ज्वेलरी मिल रही है। हाँ, थोड़ी एक्सपेंसिव है बट काफ़ी अच्छी लगी मुझे, ज़्यादा हैवी नहीं थी। ये वाली मैंने देखी, मुझे काफ़ी अच्छी लगी। अगर आप लोगों को ज्वेलरी बाय करनी हो तो ये जगह काफ़ी अच्छी है। प्राइसेस जो है 700, 800, 1500 तक यहाँ पर आपको अच्छी सी ज्वेलरी मिल जाएगी। यहाँ पर हम आ चुके हैं रीगल। यहाँ पर हमने शूज़ लेने थे, जूते लेने थे तो वो हम ले चुके हैं। अब हम जा रहे हैं। सो
हम बैग लेने यहाँ पर फर्स्ट डे आए थे और यहाँ पर आकर हमें पता चला कि यहाँ पर 50% फ्लैट ऑफ है इन बैग्स पर। अगर आपको पसंद आ रहे हो तो आप लोग भी विजिट कीजिएगा। तो यहाँ पर हम मॉल से बाहर आ चुके हैं, हम अपनी गाड़ी का वेट कर रहे थे। तो इफ्तार को भी काफ़ी टाइम हो गया था, हमें भूख भी लग रही थी तो सोचा हम कुछ खा लेते हैं। यहाँ पर ये भाई साहब हमारे लिए शोरमा बना रहे हैं, काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही थी तो हमने सोचा ट्राई कर लेते हैं कि कैसा है। तो हमने यहाँ पर दो शोरमा का ऑर्डर दे दिया है, वो बन रही थी। साथ में ही एक कोल्ड ड्रिंक और पानी की बोतल ले ली थी हमने, और थोड़ा सा खाना पीना ही हो जाए। ये थी हमारी आज की शॉपिंग ब्लॉग। आपको पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी करिएगा वीडियो पसंद आए तो, और सेल का फ़ायदा भी उठाइएगा। ये यहाँ पर हमारी स्वीट कॉर्न बन रही है जो कि काफ़ी टेस्टी थी, और कोल्ड ड्रिंक पानी। तो सुबह थोड़ी बहुत शॉपिंग हो चुकी है, मोबाइल मेरा बैग में था जिसकी वजह से मैंने वीडियोस रिकॉर्ड नहीं की। अब हम जा रहे हैं घर। उम्मीद है आपको आज का ब्लॉग पसंद आया हो, पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।